दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पीएमई ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको आधार पैन के बेस पर लोन तो प्रोवाइड करा देगी, लेकिन आपसे इनकम प्रूफ भी मांगती है। फर्स्ट टाइम जब आप बेसिक सा डिटेल्स आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आप अप्रूवल लेते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन जब आप फाइनलीज आप लोन के की प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, तो आपसे दोस्तों केवाईसी कराई जाती है आधार ओटीपी के बेस पे, और साथ साथ इनकम वेरिफिकेशन भी करानी पड़ती है, यानी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड प्रोफेशनल, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये काम करती है। अब इसका प्रूफ दोस्तों मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। इस एप्लीकेशन से हमने लोन भी लेकर आपको दिखाया था, पूरे 3 महीने के लिए 10,000 का लोन। अगर आप वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर में अपडेट्स यहाँ पर देने वाले हैं, इसीलिए दोबारा से दोस्तों रिव्यू कर रहा हूँ। रेटिंग के यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो आप देख सकते हैं 3.8 के साथ एप्लीकेशन ने रेट करी, और राइट साइड में देख सकते हैं 50 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया गया है। ये एप्लीकेशन काफी सालों से अवेलेबल है, और इस एप्लीकेशन से मैंने लोन लेकर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। पीएमई इंडिया फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये एनबीएफसी कंपनी के जरिए से लोन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। एक रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, अप्रूव है आरबीआई के साथ, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलता है, और उसी के यहाँ पर दोस्तों रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ आपको जो समय मिलेगा भाई मिनिमम 3 महीनों से लेकर 24 महीनों का समय मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा अप टू 10 लाख रुपए का लोन मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 36% लेकर 54% तक चार्ज किया जा सकता है साल का, ये चीज याद रखिएगा। प्रोसेसिंग फी यहाँ पर देख सकते हैं 2% से लेकर 10% तक चार्ज किया जा सकता है, वो भी कस्टमर के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ इन्होंने यहाँ पर बताया कि आरबीआई रजिस्टर्ड है एनबीएफसी, और बैंक फाइनेंस के जरिए से भी लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये पीएमई इंडिया जो एप्लीकेशन है एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप है, और ये आरबीआई अप्रूव है, ये आरबीआई रजिस्टर्ड अप्रूव है। दोस्तों बात करें बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही किए जाएंगे। क्विक पर्सनल लोन आप ले सकते हैं, क्विक डिसबर्समेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन होगी, कहीं भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अच्छा खासा आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने का समय मिल जाएगा 3 महीनों से लेकर 24 महीनों तक का। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों लोन अगर आप ले रहे हैं तो सिविल स्कोर भी यहाँ पर दोस्तों मायने रखे जाएंगे, क्या सिविल स्कोर होने वाली वो भी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, सैलरीड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन काम करेगी। सिविल स्कोर देख सकते हैं 650, यानी मिनिमम 650 या फिर इससे ऊपर होता है तो भाई आपको अच्छा लिमिट्स देखने को मिल सकता है। तो 15,000 रुपए मिनिमम इनकम आपका होना चाहिए, अगर इससे ऊपर होता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर चांसेस आपका बढ़ जाएगा भाई पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी चीज के लिए लोन ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हालांकि आपको यहाँ पर पर्सनल लोन ही मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके लेंडिंग पार्टनर जो है ममता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा इनके खुद का एनबीएफसी पार्टनर था पीएमई इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा आपको देखने को मिलेगा ट्रांजेक्ट ट्री टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एनडीएक्स पीटूपी प्राइवेट लिमिटेड, फिंक्यूर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये जितने सारे अभी एनबीएफसी का मैंने आपको नाम बताया, इन किसी में से एक से आपको लोन सेक्शन करके दे देगी। तो इस तरह से दोस्तों ये एप्लीकेशन ये काम करने वाली है, तो इनके इतने सारे लेंडिंग पार्टनर है, किसी से भी आपका लोन सेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार ओटीपी के बेस पर इंस्टेंट केवाईसी यहाँ पर करना होता है। साथ ही साथ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, जो भी आप सैलरी या फिर इनकम आती है वो डिपॉजिट हुई आपके बैंक अकाउंट में दिखना चाहिए, उसी के बिहा पर दोस्तों आपको यहाँ पर लोन मिलता है। अगर आप यहाँ पर सैलरीड प्रोफेशनल हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये काम करने वाली है। सपोज करिए अगर आप 10,000 का लोन लेते हैं 12 महीनों के लिए, तो ऐसे में साल का 36% ब्याज यहाँ पर चार्ज करेगी, 5% प्रोसेसिंग फी यानी 500 रुपए लेगा। एक्यूरेट इंटरेस्ट आप देख पाएंगे कि 2,055.45 रुपया के साथ यहाँ पर प्रिंसिपल बैलेंस शो करेगा, और ईएमआई आपका जाएगा 1,004 रुपए। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कॉस्ट लोन जो हो जाएगा 12,255 रुपए। यानी एपीआर की बात किया जाए, एनुअल परसेंटेज रेट की बात किया जाए साल का, तो भाई यहाँ पर 26% एज ए लगाया जा रहा है।
तो दोस्तों इस तरह से ये एप्लीकेशन ये काम करती है। इसके ऊपर मैंने हालांकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है, लोन लेकर आपको दिखाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे अब तक तो भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों एप्लीकेशन की अपडेट ये है कि पहले से एप्लीकेशन काफी इजी प्रोसेस के साथ एप्लीकेशन ये वर्क कर रही है। हालांकि लगभग सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा, इंटरफेस चेंज हुए हैं, काफी सारे चीजें इसमें प्रोसेस में बदलाव भी किया गया है। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर जैसे कि बेसिक सा डिटेल फिलअप करना है, पैन कार्ड डिटेल डालनी है, उसके बाद इंस्टेंट एलिजिबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद जैसे आपको अप्रूवल मिलता है आपको आधार ओटीपी के बेस पर केवाईसी कराना होता है, यानी केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, ई मैंडेट नैच प्रोसेस कंप्लीट करानी होगी, ये सारा चीज कराना होगा अब आप इस एप्लीकेशन के अंदर में अगर आप लोन लेते हैं। हालांकि सारे एप्लीकेशन तो यही काम कर रही है, भाई नैच प्रोसेस कंप्लीट करवा रही है ताकि आपके बैंक से ऑटो डेबिट ईएमआई अमाउंट कर ले। तो दोस्तों ये था पेम इंडिया जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड अप्रूव है एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से आपको लोन यहां पर मिलता है। लोन लेकर दिखाया गया, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।